नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। जटिल हृदय के रोग से ग्रसित 5 महीने की बच्ची के इलाज के लिए आगे आई समाज सेवी गौतम गोस्वामी। चालसा की एक मंदिर से लाखों के सोने चांदी आभूषण व पैसे की चोरी। उत्तर बंगाल विकास मंत्री ने 11 करोड़ की लागत से 3 सड़कों के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। पूजा से पहले पश्चिम बंगाल को मिलेगी एक जोड़ी अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन। इंग्लिश बाजार पंचायत समिति की स्थायी समिति के कार्य अध्यक्ष का चुनाव संपन्न। फुलबारी में दूसरे इंटीग्रल के मेयर ने किया शिलान्यास। जटिल हृदय के रोग से ग्रसित 5 महीने की बच्ची के इलाज के लिए आगे आई समाज सेवी गौतम गोस्वामी। केवल 5 महीने की नहीं दिया के दिल में 2 छेदे, उसकी जान बचाने के लिए आगे आई समाज सेवी गौतम गोस्वामी। दिया की पिता बादल राजवंशी पेशे से रिक्शा चालक है। परिवार में पत्नी व 2 बेटियां हैं। वो किराए के मकान में किसी तरह गुजारते हैं। इसी बीच दिया को एक ऐसे गंभीर बीमारी का पता चला है, उसका जल्द ऑपरेशन करना जरूरी है, अन्यथा उसे बचाना संभव नहीं हो पाएगा और ऑपरेशन के लिए 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन रिक्शा चालक पिता के लिए ये संभव नहीं है। इसकी जानकारी मिलने पर आज समाज सेवी व तृणमूल नेता गौतम गोस्वामी बादल राजवंशी के घर गए। उन्होंने सारी जानकारी के साथ दिया के इलाज का सारा भार उठाया। राज्य सरकार के बाल स्वास्थ्य योजना के तहत उन्होंने ऑपरेशन की व्यवस्था की। उन्होंने यह भी कहा कि सारा मेडिकल खर्च उठाएंगे। गौतम गोस्वामी का कहना है कि उससे जितना हो पाएगा उसने छोटी बच्ची को बचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। इसी तरह आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, अधिक से अधिक संकट ग्रस्त जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहते हैं। चालसा की एक मंदिर से लाखों के सोने चांदी आभूषण व पैसे की चोरी। चालसा की पारंपरिक मां आनंदमय काली मंदिर में मां के सोने चांदी आभूषण की चोरी हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार सुबह मंदिर के पुजारी पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। मंदिर समिति की पद अधिकारियों को सूचना दी गई। खबर सुनकर वो भी मंदिर पहुंचे। बाद में इसकी सूचना मैत्री थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर घटना की जांच की। मालूम हुआ कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन कुछ दिनों पहले टूट जाने के कारण उसे मरम्मत के लिए दिया गया है। माना जा रहा है कि चोरी उसी दिन हुई है। चोरों के गिरोह ने मंदिर के गिल के गेट का ताला तोड़ दिया और काली मूर्ति के सोने के आभूषण व दान पेटी को खोलकर पैसा लूट लिया। मां आनंदमय काली बारी के सचिव बीमेंदु सिंह रॉय ने कहा कि घटना से हम सभी हैरान है। चोरों ने मां के सोने के आभूषण सहित दान पेटी खोलकर पैसे भी ले लिए। लाखों रुपए की सोने चांदी के आभूषण मां की प्रतिमा में थी। पुलिस पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। 1987 में मां आनंदमय काली बारी की स्थापना हुई। ये चालसा का एक पारंपरिक मंदिर है। चालसा गोलाई मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। चालसा गोलाई पर रात में भी पुलिस मौजूद रहते हैं। आबादी वाले चालसा इलाके में स्थित इस मंदिर में हुई चोरी में पुलिस की भूमिका पर भी विभिन्न हालों में सवाल उठने लगे हैं। मित्री थाने की पुलिस के अनुसार चोरी की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर बंगाल विकास मंत्री ने 11 करोड़ की लागत से 3 सड़कों के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने उत्तर बंगाल विकास विभाग की मदद से दिनहाटा के 1 और 2 ब्लॉक में 11 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बुधवार को उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने दिनहाटा रानीरहाट से आबूतारा रानीरहाट से तियादा और दिनहाटा 2 ग्राम पंचायत से आमबाड़ी स्कूल के बगल के ग्राम पंचायत तक 2 किलोमीटर सड़क के कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से इन सड़कों की मांग कर रहे थे। इन तीनों कार्य के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन तीनों सड़कों का काम आज से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि सड़क के अलावा आने वाले दिनों में दिनहाटा में एक मिनी इंडोर स्टेडियम और एक छोटा सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाएगा। पूजा से पहले पश्चिम बंगाल को मिलेगी एक जोड़ी अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन। पूजा से पहले पश्चिम बंगाल को अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनों की एक जोड़ी मिल रही है। पूर्वी रेलवे के CPRO को कौशिक मित्रा ने ये जानकारी दी। इंग्लिश बाजार पंचायत समिति की स्थायी समिति के कार्य अध्यक्ष का चुनाव संपन्न। इंग्लिश बाजार पंचायत समिति के स्थायी समिति के कार्य अध्यक्ष का चुनाव गुरुवार को हुआ। इंग्लिश बाजार के ब्लॉक के BDO सोगत चौधरी की मौजूदगी में आज कार्य अध्यक्ष का चुनाव हुआ। मालूम हो कि आज पंचायत चुनाव में 25 सीट मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अकेली पंचायत समिति का गठन किया था। आज स्थायी समिति के 9 विभागों के कार्य अध्यक्ष का चुनाव था।
इंग्लिश बाजार ब्लॉक वीडियो सोगर चौधरी, अध्यक्ष राजेश पाल और अन्य उपस्थित थे। फुलबारी में दूसरे इंटीग्रल के मेयर ने किया शिलान्यास। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने जमीन में पेच फंसने के बाद आखिरकार फुलबारी पश्चिम ढलान में दूसरे इंटीग्रल की आधारशिला रखी। मेयर गौतम देव ने कहा कि इस इंटीग्रल का काम अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में मेयर परिषद दुअल 10 समेत जल विभाग के अन्य परिषद मौजूद थे।